यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियां हैं और रोड हैं काफी ज्यादा डेंजरस हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर कोई नजदीक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंदिर है। मंदिर का नाम है कालू सिद्ध मंदिर, जो कि देहरादून डोईवाला में ही पड़ता है। तो काफी ज्यादा मान्यता है, काफी ज्यादा सुंदर है, लोग बोल रहे हैं। तो चलते हैं वहां पर, देखते हैं कैसा क्या है। पहली बार मैं जा रहा हूँ और जैसा भी है आप ब्लॉग पर बने रहिए। चलिए चलते हैं। अभी हम जिस मंदिर पर चल रहे हैं ना, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा और ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने लोक कल्याण के लिए अपने 84 शिष्य बनाए तथा संपूर्ण शक्तियां प्रदान की। ये 84 शिष्य वर्तमान में 84 सिद्धों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से श्री कालू सिद्ध बाबा भी एक हैं। श्री कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के ऊपर छत नहीं है। बाबा ऐसा माना जाता है कि पक्की छत पसंद नहीं करते हैं। कई बार ये बनाने का प्रयास भी किया गया लेकिन वो सफल भी नहीं हुआ। तो गाइस, फाइनली हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं और ये है मंदिर का मेन गेट। तो ये है अंदर जाने का गेट, चलते हैं। ये है पूरा का पूरा मंदिर। अंदर से कुछ ऐसा है, जय माता महाकाली, जय दुर्गा माता, ये वो मंदिर है। और ये है गेट और पूरा का पूरा जो मंदिर है ये है मेन मंदिर। जय श्री कालू सिद्ध बाबा। मंदिर में मूर्तियों को छूना वर्जित है और ये है यज्ञशाला हवन कुंड अंदर की तरफ। और भाई, एक बात और है जो लोग कहते हैं इस मंदिर के बारे में, वो ये है कि कम से कम 100 साल पहले इस मंदिर में भंडारा व किसी अच्छे काम के लिए बाबा अदृश्य शक्ति के रूप में बर्तन प्रोवाइड कराते थे, लेकिन उसी समय किसी भक्त ने मंदिर में बर्तन झूठे छोड़ दिए, तब से बर्तन अदृश्य हो गए। आज इस मंदिर पर मांगी गई जो भी मुराद होती है वो पूरी होने पर जो भक्त हैं वो भंडारा और पूजा करते रहते हैं और यहाँ पर गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। ये है बाबा जी का मेन मंदिर, श्री कालू सिद्ध बाबा यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया जल रहा है, 4 दिया जल रहा है यहाँ पर। और आकृति भी आई है यहाँ पर, है ना आकृति, पूजा की तुम? अरे अरे, आ जाओ पूजा कर लो, आ जाओ पूजा कर लो, चलो पैर छू लो बाबा के, पैर छू लो यहाँ से ऐसे छू लो। कोई पैर दिख रहा है तुमको? पैर है, ये है ना, तुमको नहीं दिखेगा बाबू, कर लो यहाँ से कर लो। तो ये है कालू सिद्ध बाबा जी का मंदिर, मेन मंदिर यही पीछे वाला है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये है मेन मंदिर कालू सिद्ध बाबा का और मैंने आपको दिखाया ये महाकाली और दुर्गा जी का मंदिर है। आप जब भी किसी मंदिर पर जाते हैं तो आपको तो ये जानने की इच्छा होती ही होगी
कि इसकी स्टोरी पीछे की क्या रही होगी, ये क्यों बना, कैसे बना, कब बना, तो ये तो आपके अंदर भी होती होगी। ये रहा मंदिर, और मंदिर के बगल में ये देखिए पानी आ रहा है, ये पहाड़ के ऊपर से ये पानी आ रहा है, छोटा सा नहर जैसा आप कह सकते हैं बनाया गया है, और काफ़ी तेज़ से पानी आ रहा है इसमें। एक बार इसमें पैर डाल के देखते हैं कितना ज़्यादा इसमें ठंडा है पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। तो मंदिर के बगल में ये जो पानी जा रहा है, नदी है, और ये जो पानी जा रहा है वहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और ये पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, पैर इसमें हम लोग डाले हुए हैं, ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, पहाड़ के ऊपर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये मतलब ठंडा ही होगा। आकृति पानी में जाने के लिए परेशान हो गई है, जाओगी आकृति पानी में जाओगी? उतार दो पानी में, उतार दो। अब क्या हो गया, डर क्यों रही है? उतार दो, उतरो उतरो, उतर जाओ। हाँ गुड, आकृति पैर सीधा करो, ऊपर रख देना, आजा ऊपर आजा। तो ये है छोटी सी नदी जो पहाड़ के ऊपर से पानी आ रही है ना, ये है नहर छोटा सा, और इसके बगल में ये कुछ लोग वहाँ पर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे ये छोटा सा नहर, और ये नदी, और ये सारा का सारा राजा जी नेशनल पार्क, आप नाम सुने होंगे, वही जंगल कह सकते हैं आप है। और भाई साहब वहाँ पर बैठ के चना खा रहे हैं बहुत आराम से, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा इस पेड़ में आम फला हुआ है ना कि बहुत आवाज़ कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा आम गिर रहा हुआ है, ये देखिए ज़मीन पर कितना ज़्यादा आम गिरा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं, उड़ रही थी, तो यहाँ पर देखिए ये शहद उत्पादन के लिए लगा के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ भी हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, शहद उत्पादन के लिए ये लोग बना कर रखे हुए हैं, और आवाज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, बंदर हैं, और ये जो पेड़ है आम का काफ़ी ज़्यादा फला हुआ है, तो सब जो पका हुआ आम है गिर रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। बाकी ये है पूरा का पूरा मंदिर, पूरा मंदिर तो मैं घूम ही लिया, कुछ है नहीं ज़्यादा, जो था मैं आपको दिखाया। तो फाइनली इस मंदिर को मैं देख चुका कैसा है, आपने भी देखा कैसा है, तो अब इस मंदिर से चलने का समय आ चुका है, तो चलते हैं। इस मंदिर से आगे कोई खूबसूरत जगह है वहाँ पर चलते हैं। इस मंदिर से आने के बाद कुछ मंदिर से 10-11 किलोमीटर दूर ये जगह है, इस जगह का नाम थानो है, लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और है भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप ये देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जो ये नदी है वो सूखी पड़ी है, पानी वगैरह है नहीं, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मज़ा तो आ ही रहा है घूमने में, लेकिन हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आप ये देख सकते हैं कि जो रास्ता है ये पहाड़ के ऊपर जाएगा, अगर जिसको भी पहाड़ के ऊपर से नज़ारा चाहिए देखना हो तो वो ऊपर जाकर देख सकता है, बट हम नहीं जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा चलते चलते, तो वहाँ तक तो नहीं जा सकते,
बाकी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे ये देखने के लिए, तो देख रहे हैं, देखिए चारों तरफ जो पहाड़ी है कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और बीच में ये ब्रिज, इस पर हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं और रोड हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और जो पहाड़ियाँ हैं भाई लैंडस्लाइड वगैरह हमेशा लग रहा है, होता रहता है। ये देखिए एक सामने हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, पूरा रोड पर मलबा आकर बीच में पड़ गया है। और ये देखिए ये जो जगह है कैसा है, और ये है जो, ये भी गांव के तरफ जाने का रास्ता है। अब गांव का क्या नाम है, सिंधवाला शायद ये गांव का नाम है, तो ये उस गांव की तरफ जाता है। और ये देखिए ये सब जो है वो ये लैंडस्लाइड हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा जो देखने में जितना खूबसूरत होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है। तो जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। तो अब यहाँ पर घूमने के बाद फाइनली चलते हैं घर के तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो देखना था यहाँ पर देख चुके, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं ऊपर, ये देखिए है ना काफ़ी ऊँची पहाड़। तो अब चलते हैं फाइनली घर के तरफ, यहाँ पर घूम चुके हैं, मंदिर भी आपको मैं दिखा दिया। सो गाइस, दोपहर के 3:10 हो रहा है और अचानक में जो मौसम है बदल गया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के बाद अभी देखिए आप पूरा का पूरा जो मौसम है वो बदल गया है, जो बादल है एकदम काला हो चुका है, और वो देहरादून साइड में बारिश भी हो रही है और आंधी तूफान भी चल रही है। तो गाइस, मंदिर से हम आ गए थे करीब 1:30 बजे, और आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा धूप तेज थी तो उससे थकान हो गई थी, और कुछ खाए पिए भी नहीं थे तो भूख लग गई थी, तो खाने पीने के बाद थोड़ा आराम करने लगा, और अचानक में अभी मौसम का जो बदलाव है हो गया है, बारिश होने वाली है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो जो गर्मी है थोड़ी सी जा चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम और आकृति छत पर बैठे हुए हैं। गाइस, बारिश और जो तूफान है, आंधी तूफान जो चल रहा है वो धीरे धीरे अपने पास आ चुका है, आपको सामने दिख सकता है ये जो तूफान और बारिश हो रही है ना वहाँ तक पहुँची हुई है, और यहाँ तक आने में उसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तो बहुत तेज़ बारिश और तूफान आने वाली है। आप देख सकते हैं पत्ता जो है कितना तेज हिल रहा है, आकृति का बाल भी बहुत तेज हिल रहा है। तो गाइस, 2 घंटा बारिश होने के बाद जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। फिर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।